कोरोना का यह दौर बहुत कठिन है, क्योंकि इस बुरे दौर में अपने ही अपनों से मुंह मोड़ ले रहे हैं। अस्पतालों से लेकर घरों और सड़कों तक इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे लोगों की भीड़ है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। इतना ही नहीं, मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक दंपति वाराणसी में भी हैं, जिन्होंने इस संक्रमण काल में लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। बनारस के रहने वाले व्यवसायी कुशल जायसवाल और उनकी पत्नी रोशनी जायसवाल ने लोगों की मदद के लिए अपनी 15 लाख से ज्यादा की कीमत के एसयूवी गाड़ी को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। कोरोना की सेकेंड वेव ने दस्तक दी। अचानक से लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगी और अपनी जान गंवाने लगे। मेरे भी कई परिचितों की जान गई, जिसके सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे लगा मेरी टीम ने पूरी प्रॉपर सेफ्टी के साथ हम लोगों ने एम्बुलेंस तैयार किया। पीछे का पूरा एरिया एक बेड के रूप में तब्दील हुआ, उसमें ऑक्सीजन लगाया गया। एक ड्राइवर चाहिए था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का समय था। इस समय कोई अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा, जहाँ हर इंसान कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है दूर से ही। तो पेशेंट को ले जाना ले आना एक बहुत बड़ा मतलब दुविधा था हमारे लिए। तो हमारे टीम मेंबर अफजल अंसारी जी से मैंने बात की, तो उन्होंने इस रोज़ा के समय में, इस रमज़ान के पाक महीने में भी रोज़ा रखते हुए भी लोगों की मदद की, और अभी तक वो मदद जारी है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी से आदेश लेने के बाद इन्होंने अपने पास दो जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर सहित 6 अन्य छोटे छोटे सिलेंडरों को भी रखा है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह कोरोना मरीजों तक पहुंचाते हैं। साथ ही यदि ऑक्सीजन भरवाने की ज़रूरत होती है और इनके पास फ़ोन आता है, तो ये अपनी गाड़ी से अपनी टीम मेंबर्स को भेजकर सिलेंडर को भरवा कर उनके घरों तक भी पहुँचाते हैं। वर्क तो मैं रोशनी कुशल जायसवाल की तरफ से कर रहा हूँ और जनता के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर हूँ एम्बुलेंस का, जैसे मैं मरीज को हॉस्पिटल पहुँचाता हूँ, ले आता हूँ, ले जाता भी हूँ, और एक्सपायर भी हो जाती है तो मैं उसको लेकर जाता हूँ, घर तक छोड़ता हूँ, और मैं पूरी सेफ्टी के साथ रहता हूँ। बनारस से ही नहीं, बल्कि जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और यहाँ तक कि बिहार से भी मदद के लिए लोग रोशनी को फ़ोन कर रहे हैं। जिसको जहाँ मदद चाहिए वहीं से वह संपर्क करता है। लोगों की गुहार पर रोशनी और उनकी टीम उसकी मदद करते हैं। और हमारी जो जरूरत थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर की थी। हमने बहुत ही लोगों से संपर्क किया, किसी ने हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। और रोशनी कुशल जायसवाल जी जो बहुत ही आगे आई, सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक इन्होंने। और उन्होंने फिर हमें उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कॉल उठाया और उनसे हमने मदद मांगी, तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर हमें दिलाया। हमारे फूफा जी थे, उनकी ज़िंदगी बचाने से बहुत तकलीफ में थे, ऑक्सीजन की कमी बहुत ही नीचे स्तर पे आ गई थी, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण के बीच निश्चित तौर पर रोशनी और कौशल की यह जोड़ी कमाल कर रही है। बनारस में अपनी 15 लाख की एसयूवी को एम्बुलेंस में तब्दील करना और अपने घर में ही कोविड कमांड सेंटर बनाना, यह साबित करता है कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आप अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और कोविड के इस खतरनाक दौर में जिस तरह से इस दंपत्ति ने हौसला दिखाते हुए दूसरों की मदद की ठानी है, वह लोगों के लिए बड़ी नजीर है। वाराणसी से गोपाल मिश, ईटीवी भारत।